हेलो फ्रेंड, देखो मैथ्स पार्ट वन लेसन नंबर फोर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें से सेकंड एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करना है। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक है, ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज। तो इसमें हमें फाइव प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। ओके, तो इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियो में, दैट ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर। ए बी सी डी की जो कुछ भी वैल्यू रहेंगी वो पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, मीन्स इसमें निगेटिव इंटीजर नहीं आएंगे। ओके, पॉजिटिव इंटीजर ही आने चाहिए। सो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर है, देन वी कैन राइट डाउन बी अपॉन ए एंड डी अपॉन सी। यानी ये हुई इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो यानी क्या होता है, इसका मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आएगा। फिर से डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमरेटर नीचे आया, मीन्स ए अपॉन बी है तो बी अपॉन ए एंड सी अपॉन डी है तो डी अपॉन सी। ओके, ये है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। अब अल्टरनेंडो में क्या होता है, तो अल्टरनेंडो में देखो सामने वाले यानी ए के सामने सी है और बी के सामने डी है, तो ए के नीचे अब सी आ जाएगा और बी के नीचे डी आ जाएगा। ये है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने, सामने वाले जो नंबर रहेंगे वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, मीन्स ए के नीचे सी और बी के नीचे डी। ओके, अब कंपोनेंडो प्रॉपर्टी देखेंगे। ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी अगर है तो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट डिनोमिनेटर के एडिशन करो और डिनोमिनेटर एज इट इज रख दो। मीन्स ए अपॉन बी है तो ए अपॉन बी है यहाँ। ओके, ए अपॉन बी एंड बी एज इट इज। ओके, ए प्लस बी अपॉन बी एज इट इज। एंड सी अपॉन डी है तो सी प्लस डी अपॉन डी एज इट इज। ओके, मीन्स डिनोमिनेटर के एडिशन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। यहाँ भी डिनोमिनेटर के एडिशन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। यह है कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। ओके, अब देखेंगे डिविडेंडो प्रॉपर्टी। डिविडेंडो में क्या होता है, डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्शन होती है, यानी ए माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज एंड सी माइनस डी अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। ये हुई डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ वाला देखो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी होगा। मीन्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी एंड सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ओके, क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर की एडिशन भी की और सब्ट्रैक्शन भी की। यहाँ भी डिनोमिनेटर की एडिशन भी की और सब्ट्रैक्शन भी की। ओके, यह है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, जहाँ डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आएगा। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में सामने वाले डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। कंपोनेंडो में एडिशन होती है, डिविडेंडो में सब्ट्रैक्शन होती है, और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में एडिशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी होगी, एडिशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी होगी। ओके, ये अच्छी तरह से लर्न करके आपको रखना है।